वक्त एक अहम खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा से, जहां फूड प्वाइजनिंग से 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। मंदिर में बताया जा रहा है प्रसाद खाकर ये लोग बीमार हुए हैं और 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खुले मैदान में लोगों को इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील, बताएं इसमें क्या ताजा अपडेट, क्योंकि 300 से ज्यादा लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं एक बड़ी खबर है। कैसी हालत है लोगों की, क्योंकि कुछ लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। देखिए जया, अभी 300 से ज्यादा लोग जो बीमार हुए थे उसमें से 22 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है। बाकी सभी की तबीयत स्थिर है। उसमें से ये भी जानकारी आ रही कि शायद कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया और कुछ लोग का अभी इलाज चल रहा है। दरअसल ये जो बुलढाणा की तहसील है लोनार, उसके काफिरगांव और सोमथाना गांव में विठ्ठल रुक्मणी मंदिर का में एक धार्मिक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कल 7वां दिन था और कल बड़ी संख्या में लोग आए थे और जो प्रसाद रखा गया था, साबूदाना खिचड़ी और सिंगदाना का की रसेदार सब्जी, वो खाने के बाद अचानक से लोगों की तबीयत खराब हो गई और लोगों को फिर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन विडंबना है कि जो ग्रामीण अस्पताल है उसमें इलाज की कोई व्यवस्था ठीक से नहीं थी, चिकित्सक अधिकारी उपलब्ध नहीं था, लिहाजा लोगों को जमीन आनन-फानन में चिकित्सक अधिकारी को बुलाया गया और जमीन में भी लोगों को लेटाकर और पेड़ के सहारे सलाइन देकर लोगों को जो है कि लोगों का इलाज किया गया।